हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेद आईसीएस। वेद आईसीएस की नई प्रस्तुति सिविल अनुसंधान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यदि भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो एक भी हथियार गिराए बिना चीन भारत से युद्ध जीत सकता है। अभी आजकल आपने देखा होगा कि चाइना के स्टैंस में एक अग्रेशन देखने को नजर आ रहा है। अभी वो लगातार ये बात बोल रहा है कि ताइवान के ऊपर में वो अपना ऑक्यूपेशन स्टैब्लिश कर लेगा। अभी वो जबकि देख रहा है कि उसका एक मित्र देश रशिया, जिसने जैसे ही यूक्रेन के ऊपर में हमला किया तुरंत उसके ऊपर में इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दिए गए। रशिया एक बार को सैंक्शंस शायद झेल सकता है क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज उतनी स्ट्रांग नहीं है, उतनी डेवलप्ड नहीं है। दुनिया भर में उनके देश में बने हुए प्रोडक्ट सप्लाई नहीं होते, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, उनकी इकॉनमी मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। लेकिन चाइना की पूरी इकॉनमी मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंट है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे और फिर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी इकॉनमी धराशायी हो जाएगी और उनके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। ऑलरेडी उनके पास में डेमोक्रेसी नहीं है। बिना डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट ही एक तरीका है जिससे कि वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। और उसके बावजूद जब उनको पता है कि उनकी वल्नरेबिलिटीज क्या है, फिर भी आप देख रहे हैं कि वो सैंक्शन से डर नहीं रहे। इंटरनेशनल कम्युनिटी लगातार उनके ऊपर में प्रेशर बना रही है। अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है कि ताइवान के ऊपर में कुछ करना नहीं। अमेरिका के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, उनके आप देखेंगे कि उनकी जो पार्लियामेंट के स्पीकर हो सकते हैं वो ताइवान गए। तो अमेरिका लगातार उनको धमकाने की कोशिश कर रहा है कि ताइवान के ऊपर में हमला मत करना। लेकिन चाइना है कि डरने का नाम नहीं ले रहा। वो डॉक्यूमेंट पब्लिश कर रहा है कि 2025 तक ताइवान और 2040 तक वो अरुणाचल प्रदेश कब्जा कर लेंगे। इसी लगे हाथ वो भारत में डोकलाम, गलवान, तवांग ये सब भी कर रहे हैं। तो चाइना डरता भी नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी अमर शक्ति उनके पास में आ गई? तो वो अमर शक्ति उनके पास में है क्रिटिकल मिनरल्स की शक्ति। दुनिया भर की मॉडर्न इकॉनमी, जिसको हम लोग फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की टेक्नोलॉजीज। और उन टेक्नोलॉजीज को चलाने के लिए चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स, और उनकी 60-80% सप्लाई आज की डेट में चाइना कंट्रोल करता है। ये देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पाएंगे कि दुनिया भर में जो इकॉनमी में शिफ्ट आ रहा है उसके कारण 2040 तक क्रिटिकल मिनरल्स की 600% डिमांड बढ़ने वाली है। और ऐसे में दुनिया की क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई का 60-80% चाइना अकेले कंट्रोल करता है, यानी कि काइंड ऑफ उसको मोनोपोलाइज करके रखा है। और ऐसे में उसने अपनी इस मोनोपोली का इस्तेमाल स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लेने में करना शुरू कर दिया। ये उसको वेपनाइज कर रहा है। अभी हाल फिलहाल देखिए, एक न्यूज देखिए, आपने देखा होगा कि सेनकाकू आइलैंड को लेके चाइना और जापान के बीच में एक डिस्प्यूट खड़ा हुआ, और उसने उसका जवाब किस तरीके से दिया। गैलियम और जर्मेनियम मिनरल्स की सप्लाई रोक कर, उनकी एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन लगा कर, क्योंकि इनकी सप्लाई चाइना कंट्रोल करता है। और इन मिनरल्स का इस्तेमाल करके चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग जापान में, ताइवान में, साउथ कोरिया में और यूएसए में होती है। तो आज की डेट में ऐसे मिनरल्स की सप्लाई को रोक कर इन वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज और इंडिया की इकॉनमी को क्रिपल डाउन करने की शक्ति रखता है चाइना आज की डेट। तो हम एक चाइना थ्रेट फेस कर रहे हैं इस समय। अगर आप इस समय भारत के नेट इंपोर्ट रिलायंस की बात करें 2020 में, यह है इंडिया के इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स, उनकी अगर आप सप्लाई देखें तो हर मिनरल में, हर एक दूसरे मिनरल में कहीं ना कहीं आपको चाइना का रोल नजर आएगा। इसका कुछ ना कुछ हिस्सा हम चाइना से जरूर मंगाते हैं। और ऐसे में भारत का एक एडवर्सरी कंट्री चाइना अगर कल को अपनी सप्लाई चेन एडवांटेज का इस्तेमाल करता है तो इंडिया की इकॉनमी को क्रिपल डाउन कर सकता है। तो इतना महत्वपूर्ण ये इशू है, इसी इशू को लेकर आज का वीडियो हम ये आपके सामने लेकर आए। इस इशू की अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स, इंडियाज स्ट्रैटेजिक अप्रोच। ये विषय ना सिर्फ इंडियन इकोनॉमी बल्कि ये ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज़ क्या है, क्यों अभी अचानक से हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं। तो दरअसल मुद्दा ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स होंगे कौन कौन से, किन मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स बोलेंगे। भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी इसकी स्टडी करने के लिए, और उनकी अभी एक रिपोर्ट आई है,
और उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 30 मिनरल्स का नाम। उन 30 मिनरल्स को भारत सरकार अब से क्रिटिकल मिनरल्स बोलेगी। तो नाउ वी हैव अ लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स व्हिच इंक्लूड्स 30 डिफरेंट मिनरल्स, और उनकी उन्होंने एक नई डेफिनेशन भी बता दी। तो हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग समझे। लेकिन एक बार ये भी देखेंगे कि इनसे मिलते जुलते भी कुछ शब्द हम लोग जानते हैं। एक और मिलता जुलता शब्द आप जानते हैं और वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। ये क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनमें क्या डिफरेंस है एक बार कोई समझिए। देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स की डेफिनेशन कोई कंट्री, कोई इकोनॉमी, कोई रीजन खुद से बनाता, इसको वो क्रिटिकल मानता। क्रिटिकल मिनरल्स की डेफिनेशन क्या है अभी हम लोग देखेंगे भारत के पर्सपेक्टिव से। लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डेफिनेशन कंट्री टू कंट्री, इकोनॉमी टू इकोनॉमी, रीजन टू रीजन वैरी नहीं करती, वो ग्लोबल डेफिनेशन है, पूरी दुनिया भर में एक है। और वो किन को बोलते हैं, वो देखिए बोलते हैं, अगर आपने अपना पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखा हो तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर देखेंगे आप एक एलिमेंट है ये स्कैंडियम, येट्रियम और पूरी लैंथनाइट सीरीज। तो हमारे पास में कुछ 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा कि अर्थ क्रस्ट में बहुत ही रेयर है, कम मात्रा में मिलते हैं। हालांकि जब ये डेफिनेशन बनाई गई थी, जब ये नामकरण किया गया था, तब ये बहुत ज्यादा रेयर थे, अब ये उतने रेयर नहीं है। अब इनकी कुछ जगहों पर रिजर्व्स पाए गए हैं, कई सारे देशों ने अब क्लेम किया कि उनके यहाँ पर रिजर्व है और उनकी सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। दूसरा इनका जो बड़ा रोल है, आप देखेंगे कि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, लेजर इंडस्ट्री में। तो जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये होते हैं रेयर अर्थ। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो अभी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी ने अपनी डेफिनेशन दी। उस डेफिनेशन के हिसाब से एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर उसको समझाऊंगा। देखिए क्या डेफिनेशन उन्होंने बोला। उन्होंने बोला, क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। वाइल द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मिनरल्स और इवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ दीज मिनरल्स इन द few geographical locations may lead to supply chain vulnerability and disruption. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम कह रहे हैं कि ये minerals हैं जो कि critical हैं। critical किस आधार पर है? दो आधार। पहला, उनकी criticality बनाता है उनका essential होना, उनका अति महत्वपूर्ण, अति आवश्यक होना। ये बहुत important है किन चीजों को लेकर? दो चीजों को। पहला, इंडिया की economy को लेकर, और दूसरा security और defense को लेकर। अभी मैंने बताया कि हम लोग फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कदम रख रहे हैं। ये ट्रांजिशन का समय है। दुनिया तीसरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से चौथे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कदम रख रही है, और कोई भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो तब हो पाया था जबकि दुनिया ने बेसिमर स्टील प्लांट बना लिया था। इसी प्रकार से टेक्सटाइल लूम्स का आविष्कार हो गया था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था। दूसरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो तब हुआ जबकि इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो गया, जब ऑटोमोबाइल बन गए, स्टीम इंजन बन गए, फास्ट मोबिलिटी आ गई, मैसेज ट्रांसफर करना तेज हो गया। इसी प्रकार से थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें, तब तक प्लेन्स आ चुके थे, ट्रांसपोर्टेशन और फास्ट हो चुका था, इंटरनेट आ गया था, कंप्यूटर आ गया था। अब हम लोग फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कौन सी टेक्नोलॉजीज लीड करने वाली हैं? यहां पर आएगा एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, 5G, 6G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज यहां पर लीड करने वाली है। और इन टेक्नोलॉजीज में आप एक चीज देखेंगे, हर एक चीज में चिप लगी हुई है। पहले हम लोग बात करते थे इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स की, लेकिन अब बात हो रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। अब आपकी गाड़ी कनेक्टेड है, आपके घर के जो अप्लायंसेज हैं वो कनेक्टेड है। अच्छा, आपका टीवी स्मार्ट हो गया है, उसको आप स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। आपके घर का एयर कंडीशनिंग सिस्टम, आप अपने घर पहुंचने वाले हैं और आपने अपने स्मार्टफोन से ही अपना एसी ऑन कर दिया घर का, क्या आप घर में पहुंचेंगे तो आपका घर ठंडा मिलेगा। ये सब कैसे हो पा रहा है? दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब हर चीज में चिप लगी हुई है। अगर हर चीज में धीरे धीरे करके वो चिप
बेस्ड प्रोडक्ट होगा, कनेक्टेड होगा, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर्स की जरूरत होती है और ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी आवश्यकता उसकी पड़ रही है सिक्योरिटी और डिफेंस के। सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए कैसे? आज आपके जो वेपन सिस्टम्स हैं वो कोई मैकेनिकल सिस्टम्स नहीं, आज ज्यादातर आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स, वेपन सिस्टम्स, उनमें कोई ना कोई तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जरूर लगा हुआ है। आपके पास में आज मिसाइल्स हैं जिसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, इसका मतलब उसमें चिप लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है। आपके पास में फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर होता है जिसके द्वारा वो कनेक्टेड होते हैं, इसका मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, चिप बेस्ड सिस्टम लगा हुआ है। सबमरीन्स हैं, आपके पास में शिप्स, फाइटर शिप्स, तो सभी प्रकार के सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की आवश्यकता होती है। इन सेक्टर्स में आप चाहते हैं कि आप सेल्फ लैंड बने। सेल्फ लैंड बनना क्यों जरूरी है? आपका सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर रशिया आज के समय में अपने आप में उलझा हुआ है यूक्रेन क्राइसिस। तो आपको लगता है कि चलिए ठीक है, हम लोग अपनी डिफेंस सप्लाईज को डाइवर्सिफाई करेंगे, रशिया से नहीं आ सकता तो इसराइल से ले लेंगे, अमेरिका से ले लेंगे, फ्रांस से ले लेंगे। लेकिन ये जब तक हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से लेने की बातें करते रहेंगे तब तक इस प्रकार की चैलेंजेस आते रहेंगे, क्योंकि हम लोग इस समय एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के दौर में जी रहे हैं। हमें नहीं पता कि कब ये यूरोप की वॉर और एक्सपैंड हो जाएगी, हमें नहीं पता कि कब चाइना ताइवान पर हमला करेगा और उसके लिए यहाँ पर अमेरिका को आना पड़ेगा, कब जापान इंगेज हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया इंगेज हो जाएगा, कब मिडिल ईस्ट में आग फिर और भड़क जाएगी, ईरान इन्वॉल्व हो गया, इसराइल इन्वॉल्व हो गया। एक्सपर्ट्स का यहां तक कहना है कि अगर इस प्रकार से एक दो फ्रंट और खुलते हैं तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तक जा सकता है। तो हम लोग एक जियोपॉलिटिकल टिकिंग बॉम्ब पर बैठे हुए, ऐसे में हम दुनिया के किसी भी देश पर अपनी महत्वपूर्ण डिफेंस सप्लाईज के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमको उसमें सेल्फ लैंड बनना है। और अगर सेल्फ लैंड बनना है तो देखिए कमेटी क्या बात बोलती है। कमेटी बोलती है कि हमको अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन, अपस्ट्रीम माइनिंग, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, मेटलर्जी सब की आवश्यकता है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हम फाइटर एयरक्राफ्ट अपने देश में बनाएं, तो सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं, फाइटर एयरक्राफ्ट में लगने वाले मेटल्स भी हम बनाएं, फाइटर एयरक्राफ्ट में लगने वाली चिप भी हम ही बनाते हैं, चिप में आने वाला जो रॉ मटेरियल है वो भी हम ही लाते हैं, वो भी हम किसी और से ना खरीदें, उनकी माइनिंग भी हम खुद करते हैं। तो माइनिंग से लेकर एंड प्रोडक्ट तक एंटायर वैल्यू चेन वो आप कंट्रोल करते हो, तब जाके आप बोलेंगे कि आप सही मायनों में सेल्फ रिलायंट हो पाए। अदरवाइज ये बात बोल देना कि हम लोग एक एयरक्राफ्ट बना लेते हैं और सेल्फ रिलायंट हो गए, खोखली बातें हैं। तो इसकी बातें की जा रही हैं और इस तरह से बनता है आपका क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मिनरल की जो सबसे पहली बात है वो ये है कि वो एसेंशियल है हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए और डिफेंस एंड सेक्टर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। और जो इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट पिलर है वो ये है, कब बोलेंगे क्रिटिकल एलिमेंट है, क्रिटिकल मिनरल है, तब बोलेंगे जबकि उसकी सप्लाई चेन में किसी प्रकार का कोई रिस्क, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में कोबाल्ट हम चाइना से लेते हैं और कल को इंडिया और चाइना के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया और चाइना ने हमको कोबाल्ट देने से मना कर दिया, तो कोबाल्ट को लेकर, कोबाल्ट एक तो एसेंशियल है। कोबाल्ट एसेंशियल क्यों है? क्योंकि अब हम लोग को रिचार्जेबल बैटरीज बनानी है, तो रिचार्जेबल बैटरीज में कोबाल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसकी सप्लाई करता है चाइना। कल को चाइना हमसे नाराज हो गया, किसी प्रकार का कोई हम लोग बॉर्डर पर एंगेज करने लगे और उसने सप्लाई रोक दी, तो उसमें कोबाल्ट की सप्लाई में रिस्क आएगा। और कोबाल्ट जिस जिस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है उन सभी इंडस्ट्रीज में ताला लगना तय है, तो यहां पर आपके सामने एक वल्नरेबिलिटी, एक प्रकार का रिस्क। तो ये जो दो पिलर्स जिन चीजों में शामिल होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल मिनरल्स, ऐसे मिनरल जो कि एसेंशियल है इंडिया की इकोनॉमी और डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए, और वो मिनरल्स जिन पे सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी काम करती, किसी प्रकार का सप्लाई चेन को लेकर कोई रिस्क आता है, तब बोलेंगे क्रिटिकल मिनरल्स।
क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये बात हम लोगों ने समझ ली। इनका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, क्यों बोल रहे हैं कितने एसेंशियल, कहाँ पर एसेंशियल आते हैं। एक तो बात मैंने आपको बात बताई कि जहां पर भी चिप लगेगी हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी कुछ जगहों पर इनका इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप एविएशन की बात कर लें, आप स्पेस सेक्टर की बात कर लें, स्पेस टेक्नोलॉजीज में इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और कहाँ पर इनका इस्तेमाल होने वाला है, ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी। UNFCCC में हम लोग लगातार बातें कर रहे हैं कि हम लोगों को क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है, तो हम लोगों को क्लीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा। क्लीन टेक्नोलॉजीज जिस प्रकार, जैसे कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, फोटोवोल्टाइक सेल्स, इस प्रकार की अगर आप टेक्नोलॉजीज की बात करें, इन सभी में क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हो गया। इसके अलावा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, लेजर्स आपको बनाने, आपको ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना हो, रोबोटिक्स बनाना, आपको ग्लासेस, एडवांस ग्लासेस बनाने, इन सभी में क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इसके अलावा देखिए एक और सेक्टर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यह है एग्रीकल्चर। जब अभी ये कमेटी इस पर काम कर रही थी कि हम लोगों को क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई करने हैं, जो 30 मिनरल्स आइडेंटिफाई किए गए, इसके प्रोसेस के तहत उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, उन्होंने देखा कि जो हमारी दुनिया के एडवांस इकोनॉमीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया, इन देशों ने किन मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स घोषित कर रखा है और क्यों। तो उन्होंने देखा वहां पर मिला के से 69 एलिमेंट्स मिले, उनकी उन्होंने लिस्ट तैयार की और उसमें से उन्होंने कुछ मॉडिफाई करके अपनी 30 मिनरल्स की लिस्ट बनाई। लेकिन उसमें भारत ने एक जो यूनिक मॉडल तैयार किया, एक यूनिक लिस्ट तैयार की, उसमें ऐसे मिनरल्स को भी शामिल किया गया है जो कि एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चरल कंसीडरेशंस किया गया। क्यों जरूरी है, देखिए ऐसे मिनरल्स जिनसे केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। आपको पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री, इंडिया में 48% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे में एग्रीकल्चर भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर भी बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में 140 करोड़ की बड़ी पॉपुलेशन है, उसका हमको भरण पोषण करना है, उसका पेट भरना है, उसके लिए फूड सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट। अब फूड सिक्योरिटी हम सिर्फ अपने ही देश के पॉपुलेशन की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग फूड सेक्टर में एक्सपोर्टर भी बन चुके हैं। आपको पता है इंडिया राइस का सबसे बड़ा और वीट का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो ऐसे में हमको अपनी एक्सपोर्ट सप्लाईज इंश्योर करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम अपनी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने वाले मिनरल्स हैं उनकी भी सप्लाई इंश्योर करें और उनको क्रिटिकल मिनरल का दर्जा दें। इसके अलावा एक और चीज़ है, एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट एक और सेक्टर है जिसका नाम है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर और दुनिया में कई सारे देश हैं जहाँ आवश्यकता है पैकेज फूड्स। हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को उनकी रिफाइनिंग करके, उनकी प्रोसेसिंग करके, उनकी पैकेजिंग करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक नया इकोनॉमी का एवेन्यू हमारे सामने खड़ा हो सकता है। एक एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसको भी हमको बढ़ावा देना है। इसके लिए हम लोगों को एग्रीकल्चरल मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स बनाना था। तो ये हो गए क्रिटिकल मिनरल्स और उनके एप्लीकेशंस। अब अगर हम लोग बात करें कौन से 30 मिनरल्स हैं जिनकी हम लोगों ने सूची तैयार की है, तो भारत ने ये 30 मिनरल्स हैं जिनकी सूची तैयार की हुई है। यहां पर आप भारत की वल्नरेबिलिटी भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहां बात करें एंटीमनी का कोई भी प्रूवन रिजर्व नहीं भारत में नहीं है। कैसे क्रिटिकल बन रहे हैं मैं ये दिखा, क्योंकि बेरिलियम नॉट अवेलेबल भारत में है ही नहीं, बिस्मथ नॉट अवेलेबल, कैडमियम, देखिए इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी बहुत कम। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कोबाल्ट की, तो ये हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। कॉपर की बात करें तो इसकी डोमेस्टिक सप्लाई सिर्फ 4% है हमारी रिक्वायरमेंट। गैलियम भी बहुत ज़रा सा मिलता है एल्यूमिना की बाई प्रोडक्ट की तरह से। जर्मेनियम नॉट अवेलेबल। तो आप मोस्ट ऑफ द रिजर्व देखें, मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स देखेंगे जिनका रिजर्व या तो भारत में नहीं है या फिर है तो बहुत कम। तो ये 30 मिनरल्स हैं, इनकी सप्लाईज बहुत कम, इसलिए इनको हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स कह रहे हैं।
तो एक तरफ तो भारत में है नहीं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि 60-80% ग्लोबल सप्लाई को चाइना कंट्रोल करता है, तो चाइना के ऊपर दुनिया की डिपेंडेंसी है। और चाइना सिर्फ इंडिया की इकॉनमी नहीं, दुनिया की इकॉनमी को, वर्ल्ड इकॉनमी को ट्रिपल डाउन करने का मादा रखता है। ऐसे में क्या इसके गेम्स में वर्ल्ड कम्युनिटी कुछ कर रही है, कोई स्टेप ले रही है? तो हाँ, एक स्टेप तो लिया गया, और वो स्टेप क्या है ध्यान से देखिए। COP15 के बाद ये बात डिसाइड की गई कि क्लीन टेक्नोलॉजीज, ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए एसेंशियल क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को एंश्योर करने के लिए एक नया अलायंस बनाया जाएगा, जिसका नाम रखा गया सस्टेनेबल क्रिटिकल मिनरल अलायंस। और इनमें रखे गए ये देश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएस। इसके बाद एक और अलायंस बनाया गया जिसका बोलते हैं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इसमें भी अगर आप देखें तो इसके पार्टनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोपियन कमीशन। देखिए, चाइना से हटकर अब एक ऑल्टरनेट वैल्यू चेन, एक सप्लाई चेन की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि इसके बाद दो अलायंस बनाए गए, सस्टेनेबल क्रिटिकल मिनरल अलायंस और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। दोनों में ही भारत को बुरी तरह से इग्नोर किया गया, भारत को इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं दी। तो रिस्क हमारे पास दोनों तरफ से है। अगर इसकी डोमिनेशन चाइना के पास है तो भी हमारे लिए रिस्क है, और दूसरी तरफ अब एक ऑल्टरनेट वैल्यू चेन बनाने की कोशिश की जा रही है, सप्लाई चेन स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, इनमें भी भारत नहीं। यही कारण है कि जो कमेटी है ये लगातार बात करती है सेल्फ लाइंस की, सेल्फ डिपेंडेंट होने की। लेकिन फिर यहां पर क्वेश्चन आता है कि किसी क्रिटिकल मिनरल का रिजर्व जब भारत में है ही नहीं, तो अब इसमें भारत क्या कर लेगा, कहाँ से सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए? तो इसके लिए एक नया तरीका आता है, वो है हम अपनी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल लेवल पर खुद से पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूज़ देखिए, इंडिया इन टॉक्स विद थ्री कंट्रीज टू एक्सप्लोर एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल माइंस। भारत खुद से अलग से जाकर ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चिली में माइंस एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। ये वही मॉडल है जो चाइना अपनाता है। इसे एग्जाम्पल मैं दूं कोबाल्ट का। कोबाल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल है, जिससे रिचार्जेबल बैटरीज बनती है। और आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोबाल्ट का रिजर्व डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, जो कि सेंट्रल अफ्रीका में एक कंट्री है। कहने के लिए तो सबसे ज्यादा रिजर्व उनके पास है, लेकिन पूरे कोबाल्ट की सप्लाई 80-90% चाइना और चाइना बैग कंपनीज करते हैं। चाइनीज कंपनीज ने DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जाकर वहां पर पहले से माइंस एक्वायर कर ली, परचेस कर ली। अब उनकी माइनिंग, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी रिफाइनिंग, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनकी सप्लाई, ये सब चाइनीज कंपनीज करते हैं। तो इस तरीके का कुछ एग्रेसिव स्टैंड भारत को भी लेना होगा अपनी मिनरल सप्लाईज इंश्योर करने के लिए। तो एक तो ये सोल्यूशन की बात आती है। अब बात आती है कि ये जब हम लोग सप्लाई की बात कर रहे हैं कि हम लोग इस तरह से दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपनी सप्लाईज इंश्योर करें, वहां पर माइंस परचेस करें, तो ये काम करेगा? ये काम भारत के लिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई गई है, इसका नाम है काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये करने वाली है। पहले से भारत के पास में तीन अलग अलग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनके जॉइंट वेंचर से कंपनी बनाई गई है। इसमें आता है नालको, विच इज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड MECL। और इनकी इक्विटी नालको की 40%, HCL की 30% और MECL की 30%, 40:30:30 के इक्विटी रेशियो के साथ में ये कंपनी बनाई गई है काबिल। काबिल का ये काम होगा दुनिया के दूसरे देशों में जाकर ऐसी माइंस को एक्वायर करना और भारत की क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को एंश्योर। तो ये तो हो गए हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं और इनके लिए लिखकर वर्ल्ड कम्युनिटी क्या कर रही है और इंडिया क्या कर रहा है। और अगर ऐसे कुछ और चैलेंजेस की अगर बात करें क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को लेकर, और क्या चैलेंजेस आते हैं? एक तो आपने देखा कि दुनिया में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और दुनिया में जितनी अवेलेबिलिटी कम है उससे ज़्यादा भारत में कम है। ये देखिए,
मैप में अगर आप देखें तो दुनिया भर में कहाँ कहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका ये मैप है। उनमें भारत में आप देखेंगे कि ना के बराबर मिनरल्स हैं। इसी तरीके से दूसरा देखिए आप, दुनिया में कहाँ कहाँ क्रिटिकल मिनरल्स हैं, भारत में निर्धारित है। यहाँ पर भी एक देखिए कहाँ कहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, भारत में आपको इसकी सप्लाई ना के बराबर, रिजर्व बहुत ही कम नजर आए। तो ये हमारे लिए अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क मैंने अभी आपको बताया, जिन जिन देशों से हमारे यहाँ पर सप्लाई होती है उनमें से कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर कि किसी ना किसी प्रकार का कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क, फॉर एग्जांपल चाइना में है, रशिया में है, इसी प्रकार से अभी कह नहीं सकते कि यूएसए में कल को आ जाए, ऑस्ट्रेलिया कब इंगेज हो जाए, कौन सा देश कहां पर कैसे इंगेज होने वाला है हमको नहीं पता। तो एक जियोपॉलिटिकल रिस्क भी लगातार इसमें बना हुआ है। और क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने? अगर और चैलेंजेस की बात करें तो एक चैलेंज ये आता है कि कुछ सर्टेन देशों की डोमिनेशन, जैसे चाइना की डोमिनेशन अभी हम लोगों ने देखी, और ये भी देखा कि दुनिया उस डोमिनेशन को तोड़ने के लिए क्या कर रही है। इसके बाद एक और बात आती है कि लगातार इनकी डिमांड बढ़ रही है, जैसा कि अभी हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि 2040 तक 600% इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ेगी उसी रफ्तार से आपको सप्लाई भी इंश्योर करनी पड़ेगी, अदरवाइज इसके प्राइस बढ़ने का, इन्फ्लेशन का डर रहेगा। इसके अलावा एक और बात आती है कि रिलायंस ऑन फॉरेन पार्टनर्स, ये तत्काल रूप से अभी नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि भारत में ऐसे मिनरल्स का रिजर्व ना के बराबर है, वो अभी हम लोगों ने देखा। अगर मिनरल रिजर्व है ही नहीं तो फॉरेन पार्टनरशिप करनी ही पड़ेगी। हालांकि इसमें हमेशा एक रिस्क बना रहेगा कि कौन सा देश कब तक आपका पार्टनर बन के रहता है। एक और चैलेंज आता है एनवायरमेंटल कंसर्न। एनवायरमेंटल कंसर्न माइनिंग के साथ में बने ही रहते हैं, इस तरीके की माइनिंग्स के साथ में भी इसके सोशल कुछ रिपरकशन आते हैं और कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कोबाल्ट की बात करूं तो डीआरसी में इंटरनेशनल कम्युनिटी लगातार इस बात की बात कर रही है कि वहां पर ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है, वहां पर कोबाल्ट की माइनिंग से रिवर वाटर्स पॉल्यूट हो रहा है, उससे लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसकी बातें हमेशा लगातार की जाती हैं। तो अगर हमको सेल्फ लाइंड बनना है तो इस तरीके की जो चैलेंजेस हैं इनसे भी पार पाना हो तो भारत की ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर अपने स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहले हमको अपने डोमेस्टिक सोर्सेज डेवलप करने पड़े, उनको एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा और माइंस खोजनी पड़ेगी और कहाँ पर इंडिया में मिनरल्स हैं, जिससे कि हम इंटरनेशनल डिपेंडेंसी, दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर अपनी निर्भरता कम कर सकें। इसके अलावा हमको ज़रूरी है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल माइनिंग प्रैक्टिसेस करें, जिससे कि कभी कोई हमारे ऊपर इस प्रकार की उंगली ना उठा सके कि हम लोग एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रख रहे या फिर किसी प्रकार का कोई सोशल चैलेंज आ रहा है उसमें हम लोग चाइल्ड लेबर करा रहे हैं या फिर लेबर को सही वेजेस नहीं दे रहे। कई बार इस तरीके की चीज़ें भी वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा उठाई जाती है, ऐसा कोई सवाल ना खड़ा कर सके हमारे ऊपर, इसके ऊपर भी हमको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अगली जो स्ट्रैटेजी हमको बनानी चाहिए वो ये है कि हमारे पास में एक स्पेशलाइज एजेंसी होनी चाहिए जिसका काम होना चाहिए कि वो क्रिटिकल मिनरल्स पे अपनी एक एक्सपर्टीज हासिल करे, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे या फिर किसी और एजेंसी से कराए, एटलीस्ट उसको वो मॉनिटर करे, उसको रेगुलेट करे और साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भारत की सप्लाई इंश्योर करने का काम करे। तो हमारे पास में एक नेशनल इंस्टीट्यूट या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए। अगली बात करें तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सप्लाई चेन में, हर प्रकार की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पूरी तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमको इसमें R&D करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। हो सकता है कि आज हम लोग जिन मिनरल्स को क्रिटिकल बोल रहे हैं उसके अलावा कोई और मिनरल निकल जाए, कोई और मिनरल मिल जाए जो कि वही काम कर सकता है जो आज के मिनरल कर रहे हैं। तो जो देखिए अभी जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी ने भी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी की बात की है कि किसका सब्स्टिट्यूट खोजा जा सकता है कि नहीं। देखिए सब्स्टिट्यूटेबिलिटी दोनों ही जगहों पर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जिन मिनरल्स का हो सकता है वहां पर भी उन्होंने बात की है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इंडेक्स की, और जहां पर सप्लाई रिस्क हो सकता है वहां पर भी उन्होंने इसकी बात की। इसलिए आपको लगातार R&D करने की जरूरत है ताकि आप सब्स्टिट्यूट सोच सकें। एक तो ये बातें होंगी, इसके अलावा और कर सकते हैं कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकें ताकि आप कम मिनरल में ज़्यादा एनर्जी निकाल सकें, ज़्यादा आउटपुट ले सकें।
उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और सब्स्टिट्यूट्स खोजने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। और फाइनली हमारे पास में एक नेशनल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारे पास में एक कॉम्प्रहेंसिव नेशनल प्लान होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स हैं कौन से, उनकी सप्लाई कैसे इंश्योर करेंगे, किन देशों से उनको लेकर आएंगे, कहाँ पर इंडिया में खोजेंगे, कैसे उनकी ओर्स खोजनी है, कैसे उनकी माइनिंग करनी है, कैसे उनकी रिफाइनिंग करनी है, कैसे प्रोसेसिंग करनी है, किनको प्रायोरिटाइज करना है। ये सारी चीजें तभी होंगी जबकि आपके पास में एक नेशनल स्ट्रैटेजी। तो ये था आज का डिस्कशन कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल मिनरल्स का इंडिया के डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंडिया की इकोनॉमी में क्या रोल बनता है, इसकी चाइना के ऊपर में कैसे डिपेंडेंसी है, जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है, और इस रिस्क को दूर करने के लिए वर्ल्ड कम्युनिटी क्या कर रही है और भारत सरकार इसको लेकर क्या कर रही है। ये कुछ प्रिलिम्स रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी एक बार को देख लीजिए, आपके काम आएगा कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कौन कौन सी ओर्स आप जानते हैं। देखिए एक मोनाजाइट है जो आप जानते हैं, भारत में भी है, इसके बाद बास्नेसाइट है, जीनो टाइम है और लोपाराइट है। ये कुछ माइंस हैं, इनका नाम आप याद कर लीजिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए ये काम आते हैं। इतना कर लिया है तो अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ सकते हैं। ये दो क्वेश्चन हमारे सामने, इनको करने की कोशिश करिए, एक प्रिलिम्स का एक मेंस का। पहले क्वेश्चन ये लेते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल इकोनॉमी। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए वर्ल्ड कम्युनिटी एक तरफ से ये बात बोलती है कि डेवलपिंग कंट्रीज को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए क्लाइमेट एक्शन। उनका कहना है कि 1992 के बाद से अब जो ज्यादा एमिशन कर रहे हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज कर रहे हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज एमिशन कर रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है, वो हमें ज्यादा रोल देना चाहते हैं क्लाइमेट एक्शन में, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना चाहते हैं। लेकिन यहां पर आप उनकी हिपोक्रेसी देखिए, जब क्लाइमेट एक्शन के लिए जरूरी टेक्नोलॉजीज और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए जिन मिनरल्स की आवश्यकता है, उस मिनरल की सप्लाई चेन जब इंश्योर करने के लिए वो एक पार्टनरशिप डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो सस्टेनेबल क्रिटिकल मिनरल अलायंस हो और या फिर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, उन दोनों ही पार्टनरशिप में अलायंस से वो भारत को दूर रखते हैं। तो अगर वर्ल्ड कम्युनिटी चाहती है कि भारत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो हमको ऐसे मिनरल पार्टनरशिप्स में ज्यादा जगह मिलनी चाहिए। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स पोज रिस्क टू अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बात बिल्कुल सही है कि अगर सप्लाई चेन में किसी प्रकार का कोई रिस्क आता है तो उससे किसी देश की इकोनॉमी और उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर खतरा आ जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, आपका आंसर होता है इसमें स्टेटमेंट सी। लास्टली मेन सा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन एंश्योरिंग रेजिलियंट सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए भारत के सामने क्या क्या चैलेंजेस है वो हम लोगों ने देखा अभी। सजेस्ट मेजर्स दैट कैन बी अंडरटेकन टू एड्रेस दीज चैलेंजेस एंड एंश्योर अ कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्या चैलेंजेस हैं और क्या हम लोग इसके लिए कर सकते हैं और अभी तक क्या क्या किया गया है, ये लिखना है। ये डिस्कशन अगर आपने ध्यान से सुना तो बड़े आसानी से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा और अपने आंसर को कॉमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का इशू, फिर किसी और इशू के साथ एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक देखते रहिए वेद आईसीएस का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।